सब तो पहले सब नूं प्यार भरी सलाम। मैं उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होवोगे, आपां भी बहुत वधिया हैगे आ। ते अज दे सीन इदां हैगे आ, अज मैं पहली दफा पाकिस्तान दे शहर लाहौर दे विच ओरेंज लाइन दा एक्सपीरियंस करन जा रहा हैगा। ते इस टाइम मैं मौजूद हैगा वा अली टाउन ओरेंज लाइन मैट्रो स्टेशन दे कोल। ते इह जिहड़ा स्टेशन हैगा रायमंड रोड ते हैगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ओल्ड कैंपस दे कोल ही हैगा। ते इस तों पहले मैं मैट्रो ट्रेन दा एक्सपीरियंस कीता होया दुबई दे विच, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वधिया हैगा सी। मतलब कि मैं जिथे भी जांदा सी ना दुबई, तो मैट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करता हुंदा सां। तो कहिंदे आ कि मैट्रो ट्रेन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द दुबई। जिहड़ी मैट्रो ट्रेन है ना दुबई की, वह पूरी दुबई नूं आपस लिंक करती है। तो वह दो रूट से मुश्तमिल हैगी, एक है रैड रूट एक है ग्रीन रूट। जिहड़ा वड्डा रूट हैगा पूरे दुबई च घूमदा हैगा, वह रैड रूट हैगा, ठीक है। तो अपना ज़्यादा जिहड़ा सफर हुंदा सी रैड रूट ते हुंदा हैगा सी। तो मेरा तो उत्थे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चंगा रहा हैगा सी। तो अज पाकिस्तान च पहली दफा सफर करन जा रहे हैं, लेट्स सी देखने किदां दा एक्सपीरियंस रहिंदा हैगा। सीन इदा है जिदा मैट्रो ट्रेन दे स्टेशन च रश हुंदा ना उस तां पाकिस्तान भी सेम इदा ही सीन हैगा। लाहौर दी ओरेंज लाइन ते भी रश ही रश हैगा, तुसीं बैक साइड देख रहे हो रश ही रश आ, टिकटां लै रहे हैगे आ। लेकिन उत्थे इदां सीन हुंदा सी, उत्थे हुण बंदा इक कार्ड आरटीए वालियां दा, मतलब कि मैट्रो बस ते भी चल जांदा ते मैट्रो ट्रेन ते भी चल जांदा हैगा, वह 25 दिरम का लभदा हैगा सी। ते 17 दिरम का कार्ड हुंदा सी, विच हुंदा सी 8 दिरम का बैलेंस, ठीक है। तुसीं यूज़ कर सकते सी मतलब किसी भी रूट पर जाने वास्ते, लेकिन दोबारा फिर तुहानूं इंसर्ट करवाना पैंदे हुंदे सन विच पैसे। मे बी इत्थे भी कार्ड हुंदा होएगा, ठीक है, ओरेंज लाइन का। तो लेकिन आपां लिया सिक्का 35 रुपए का मिले हैगा, मैं जाना रेलवे स्टेशन, ठीक है। वैसे एक्सपीरियंस करता पे हैगा, तो मैं रेलवे स्टेशन भी देखना हैगा लाहौर का। तो मैं कहा चलो उत्थों की टिकट लै लेने, तो ना रेलवे स्टेशन भी देख आवेंगे। सो सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो तुहानूं दसने फिर अगले सीन सारे। सीन इदा है दुबई मैट्रो तो लाहौर ओरेंज लाइन, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता दोनों का एक्सपीरियंस का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा है। एक दो चीज़ें है, ठीक है, जी मैं तुम्हें दसनी है, जो डिफरेंस है दुबई की मैट्रो ट्रेन है ना, वो साइज़ छोटी हैगी। जो पहला डब्बा होंगे ना वो गोल्डन, जिन्हों को टिकट होंगी बस वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला डब्बा है, ठीक है, वो सिर्फ वूमेन्स के बच्चों वास्ते यूज़ होंगे है। तो जोड़े सेंटर से रह जाते डब्बे वो मतलब कि आम दूसरे लोग, मतलब कि मुंडे भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुड़ियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, जिदा मर्जी मतलब जेंडर के लोग यूज़ कर सकते हैं। एक होर चीज़ दुबई मैट्रो की मैंने सब तो वधिया चीज़ दस की लगी हैगी सी, वो एयरपोर्ट के नाल ही कनैक्ट हैगी। अगर कोई बंदा आ रहा ना एयरपोर्ट तो तो उन्हें किसी भी जगह जाना है, मतलब उन्होंने कोई लैन नहीं आ रहा है, उनके को इतना एक्सपेंस नहीं है टैक्सी का, तो उस तो मैट्रो ट्रेन में यूज़ कर सकता है। टर्मिनल 3 मैट्रो स्टेशन का टॉप है, मतलब उतो यूज़ करके कित भी दुबई जा सकता है। तो यह मैं बेस्ट चीज़ लगी हैगी दुबई की, कि दुबई का जी ट्रेन वो एयरपोर्ट के कोलों भी लंघ रही हैगी। दुबई मैट्रो तो ओरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के एक सिमिलैरिटी हैगी, सिमिलैरिटी हैगी स्टेशन सलाहुद्दीन स्टेशन। लाहौर ओरेंज लाइन ट्रेन च भी एक स्टेशन आता सलाहुद्दीन, तो जी दुबई की ग्रीन लाइन ट्रेन हैगी ना उनके एक स्टेशन आता सलाहुद्दीन। फिर उस तो अगला स्टेशन जोड़ा है यूनियन है, जिते ग्रीन लाइन तो रैड लाइन दुबई मैट्रो दिलदिया है। तो यह एक सिमिलैरिटी हैगी स्टेशन की एक होर। तो उस बाद डिस्टेंस वाइज गल करिए, जी लाहौर की ओरिजिनल ट्रेन है ना, इनका डिस्टेंस है 11.5 मील आई थिंक इन्ना क है। तो यह
ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਓਰੀਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਦੁਬਈ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਓਰੀਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਓਰੀਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਟੀ ਵੀ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੈਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਜਾਓ, ਯੂਰੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।